ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप एक बहुत ही पुण्य का काम कर सकते हैं। आपको इस कार्य करने से बहुत दुआएं भी मिलेंगी और आप अंतर मन में बहुत आत्मिक संतुष्टि भी अंदर में अनुभव करेंगे। आपको इस पुण्य कार्य के लिए क्या करना है, उसके लिए आपको ये जो हॉट वेदर आ रहा है, गर्मी का समय आ रहा है, ये गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, उसके लिए आप, हमने देखा है कि चार रास्ते पर या पब्लिक प्लेस पर बहुत सारे मनुष्य आत्माएं जो हैं घड़े मटके भरकर रखते हैं फ्री पानी पीने के लिए, ताकि आते जाते जो भी पानी की व्यवस्था ना होने पर वो कम से कम अपने प्यास बुझाएं उस गर्मी के दिनों में। तो आप यह तो जो भी करते हैं वह तो नॉर्मल से पानी भरकर रख देते हैं और इसमें आप भी अपने आप को शामिल कर सकते हैं। कोई ऐसे आने जाने वाली रास्ते पे जहां बहुत अधिक लोग आना जाना दिन भर लगा रहता है, लगातार आते जाते हैं, ऐसे पब्लिक प्लेस पर आप अपने तरीके से एक मटका, दो मटके, घड़े भर के रख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि उस मटके में आपको पानी यूं ही फिल नहीं कर देना है, यूं ही भर के ढक्कन ढक के उधर ग्लास नहीं रख देना है। उस मटके में आपको पावरफुल संकल्प, शक्तिशाली संकल्पों के वाइब्रेशन से उस पानी को और अधिक शक्तिशाली बनाना है, ताकि जो भी आत्माएं उस पानी को पी करके पूरा उनका शरीर ऐसा लगे मानो एक असीम शक्ति मेरे तन को आ गई है और मैं पावरफुल और एकदम शीतलता से भरपूर हो गया हूँ, और मानो ऐसा कि उसमें कुछ खाना खाए जैसा बल मिल गया है। हमें करना क्या होगा, जब भी आप इस तरह से कोई पब्लिक प्लेस पर चार रास्ते पर मटके को पानी से भरकर रखते हैं, तो उसमें आप 15 से 20 सेकंड के लिए पॉज हो जाएं, अपने नज़रों से उस पानी को देखें और उसमें कुछ इस तरह के शक्तिशाली वाइब्रेशंस डालें। सबसे पहले तो आपको उन संकल्पों को खुद में भरपूर, खुद से अनुभव करने हैं, खुद को भरपूर करना है। जैसे कि मैं जो खुद को आप परम धाम में देखें और अनुभव करें कि मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, और परम धाम में अनुभव करें अपने अनादि स्वरूप को देखें और मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, खुद को फील करें सूक्ष्म लोक में, मैं पवित्रता की देवी देवता हूँ, मैं शांति की देवी हूँ। इस तरह से पवित्रता, शांति, शीतलता के शक्तिशाली वाइब्रेशंस उस घड़े में डालें, साथ साथ सफलता के वाइब्रेशंस डालें, सफल को सफर बनाने के शीतल वाइब्रेशंस, सफलता के वाइब्रेशंस उस घड़े में डालें, शक्तिशाली बनाएं। क्या पता कौन सी आत्मा कौन से कार्य के लिए निकली है, इतनी कड़ी धूप में कौन सी आत्मा कौन सी बात को लेकर के घर से मजबूरी में निकलना पड़ा। तो उस मटके के पानी को पीकर वो जो आते जाते राह में जो थके मनुष्य आत्माएं हैं, जब उस पानी को पिएंगे तो उसे वो इतना अधिक शक्तिशाली और बलशाली महसूस करेंगे, आत्मा तृप्त हो जाएगी और खुद पूरे शरीर में वो पानी के जो शक्तिशाली वाइब्रेशंस होंगे वो इतना उस मनुष्य को इतना शक्तिशाली अनुभव कराएंगे मानो उसे कौन सी आदर्श शक्ति मिल गई है। आपके विचार शक्तियों में, आपके संकल्पों की शक्तियों में इतनी अधिक शक्तियाँ होती हैं कि आप इस तरह से एक पुण्य का काम भी कर सकते हैं और उस नॉर्मल पानी को आप इतना शक्तिशाली पानी बना करके हर एक का, जो भी मनुष्य आत्मा उस पानी को पिएगी तो वो अपने कार्य में सफल होगी, उसे पूरे शरीर में शीतलता का एक आभास होगा और वो शांति का अनुभव करेगी। आज के समय में हर एक मनुष्य को प्रेम की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है, शक्ति की ज़रूरत है, जो सबसे ज़्यादा कम है।
तो आइए यह कार्य आप सभी करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर एक मनुष्य आत्मा यह कार्य पुण्य का कार्य कर सके। गर्मी बहुत चलती है तब ऐसे काम बहुत सारे मनुष्य करते भी हैं, तो आप भी इसमें शामिल होइए। और नॉर्मल पानी नहीं बल्कि आप उसे शक्तिशाली वाइब्रेशंस के साथ उस पानी को पावरफुल बना करके उन मनुष्य आत्माओं को सफलता, शक्ति, शीतलता और कार्यों में सहज ही सरल सफर सफल के कर सकें, तय कर सकें, उसके लिए आप शक्तिशाली वाइब्रेशंस डाल करके पानी को शक्तिशाली बनाएं। ओम शांति। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर करें और यह पुण्य कार्य करें।